नमस्कार आदाब शत्र गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं अपने सभी मित्रों को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं पेन पेपर हाथ में है इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है स्वागत करता हूं सभी मित्रों का 25 दिसंबर 2021 रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण फिर चाहे आप यूपीएससी एसएससी बैंकिंग रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आइए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सेशन के अंदर सबसे पहले सुर्खियों की बारी काफी दिनों से नेपाल के बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी आज मिली है और लग रहा है कि चीन जो है वो उसके लिए मित्रता में थोड़ा घातक सिद्ध हुआ है आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि क्या हुआ चीन के द्वारा भेजा गया वो क्या सामान था जो उसके नेपाल के द्वारा हैंडल नहीं किया जा रहा है आज के सेशन के अंदर चर्चा करेंगे और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो निकल के आ रही है वो अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी से है और वो ये है कि ओईसीडी ने कहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कारपोरेशन एंड डेवलपमेंट ने 15 परसेंट वैश्विक न्यूनतम कर का मॉडल लागू किया जाएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कथन है इसके अंदर हम समझेंगे कि किस प्रकार से वैश्विक रूप से ग्लोबल टैक्सेशन के अंदर कमी लाई जानी है और भारत जैसे देश को क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आज के सेशन में चर्चा करेंगे ठीक इसी प्रकार से हाल ही में संसद के दोनों सदन के अंदर कार्यकाल यानी कि सिनेडाई यानी लंबे समय तक के लिए संसद स्थगित कर दी गई तो लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारियों के द्वारा यह चिंता व्यक्त की गई कि जो प्रोडक्टिविटी है वो 20 साल में तीसरी सबसे न्यूनतम प्रोडक्टिविटी लोकसभा और राज्यसभा के निकल करके आई कुल कितने बिल पास हुए लो प्रोडक्टिविटी क्यों निकल के आई क्या तरीका अपनाया जाए जिससे कि जिससे कि संसद जो है वो सही तरीके से काम करने लगे आज के सेशन में चर्चा की जाएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इसको आप जरूर समझेंगे और बहुत सारी चीजें यहां से निश्चित ही पाएंगे यानी कि वो कौन से तरीके अपनाए जाए जिसके चलते हुए सरकार की जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज के सेशन में आप लोगों से डिस्कस की जानी तय की गई हैं ठीक इसी प्रकार से साथियों अन्य प्रश्नों के अंदर अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं एक मिनट आपका सेशन दिख जाए मुझे हां जी इसके साथ साथ साथियों अन्य जो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन के कार्यान्वयन के लिए आरबीआई ने समय सीमा बढ़ा दी है क्या होता है टोकनाइजेशन समझेंगे कि क्या क्रेडिट कार्ड कार्ड और डेबिट से अब चोरियां नहीं होंगी क्या है आरबीआई का तरीका आज के सेशन में समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है ठीक इसी प्रकार से एक नया कोरोना वेरियंट जिसे डब्ल्यू ने तो कोई नाम नहीं दिया ना ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उसे रिकॉग्नाइज किया है लेकिन दुनिया में चर्चा में है और उसका नाम है डेल माइक्रॉन यानी कि ओ माइक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट क्या है ये डेल माइक्रॉन आज के सेशन में हम समझेंगे क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर प्रतिबंधों की बात सुन के आ रही है कोरोना को लेकर के ठीक इसी प्रकार से हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस सेलिब्रेट किया गया हर बार चौबीस दिसंबर को यह मनाया जाता है यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है वर्ल्ड प्रेस जो इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट से भारत सरकार कह रही है कि हम उससे वो नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के अंदर बनास डेयरी संकुल का हाल ही में उद्घाटन किया रामनाथ गोयन का अवार्ड दिया जाता है और उसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लोगों ने अपने द्वारा कुछ कमेंट्री की है हरभजन सिंह ने क्रिकेट क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है इफको टोक्यो जर्नल इंश्योरेंस के एच ओ सूरी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है भारतीय फुटबॉल दिसंबर के लिए फीफा रैंकिंग की घोषणा हुई है पुरुषों की टीम ने अपना स्थान इसमें कायम रखा है अनाहत सिंह अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है और पद्म भूषण अध्ययन करेंगे सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ और पढ़ना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में हमेशा की तरह सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों में सबसे पहली जानकारी यदि आप चाहते हैं अन पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित टेन जिसका यूज करके आप अन पर दस डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑल ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फिर चाहे आप यूपीएससी एस एस सी बैंकिंग रेलवे जिस भी कैटेगरी में पढ़ाई कर रहे हो नंबर एक नंबर दूसरा मेरा इंडियन पॉलिटी का बैच यहां पर चल रहा है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री स्पेशल क्लास यू कैन अवेल माई अंकित टेन रेफरल कोड जिससे आपको ना केवल अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पर दस परसेंट का डिस्काउंट मिलता है बल्कि आपको मेरी स्पेशल क्लासेस में भी एंट्री मिलती है आज सुबह दस बजे आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जाएगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसे ज्वाइन करें इंडियन पॉलिटी का याद रखिएगा आज का स्पेशल क्लास का टाइम वीकेंड है इसलिए इस टाइम को बदल दिया गया है आज सुबह दस बजे आपकी क्लास है उसमें आप प्रेजेंट और इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन प्रश्नों की जैसे कि इतने दिनों से चल रही है उसी श्रृंखला में ये सीरीज चल रही है यदि आप चाहते हैं अन अकेडमी पर जुड़कर पढ़ना तो 2022 और 23 के यूपीएससी बैच अनाउंस हो चुके हैं आज का मोटिवेशन है एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर क्रेजी नथिंग विल बी इजी इफ यू आर लेजी क्रेजी सही मायने में तो कहा जाता है पागलपन को किसी भी चीज के लिए पागलपन दीवानापन जो है ना वो आपको सक्सेसफुल बना ही देता है सक्सेसफुल बनाने के पीछे अक्सर आपकी एक जिद जिसे कहा गया है क्रेजीनेस लाइक ए जिद अगर आपके अंदर कुछ भी करने की जिद है तो आप ऑड्स परिस्थितियों के अंदर ऑड परिस्थितियों के अंदर भी सर्वाइव कर जाएंगे ये बिल्कुल ऐसे है अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी काम से आपको रात को कहीं चल के जाना है आपकी पढ़ाई के लिए रात को कहीं चल के जाना है लाइब्रेरी पढ़ने जाना है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप पर एहसान कर रहे हैं इस चीज को प्रायोगिक रूप से करके देखिएगा आप अगर फिल्म देखने जाएं रात रात में लेट नाइट शो देखने जाएं दोस्त के साथ किसी फंक्शन में जाएं शादी में जाएं आपका अलग ही लेवल का चार्म होता है कोई नेगेटिविटी दिमाग में नहीं होती कोई दिमाग पर स्ट्रेस नहीं होता आप हंसते खेलते हुए किसी शादी फंक्शन महोत्सव इनको अटेंड करने जाते हैं आपको कोई भी कह दे कि आज बैठ करके रात भर गप्पे मारेंगे रात भर अलाव तपेंगे आपको लगता है बस ये तो जीवन सेट हो गया है लेकिन अगर कोई आपसे ये कह दे कि आज रात भर पढ़ना है तो एक अलग ही लेवल का हैंगओवर दिमाग पे हो जाता है और हमें ऐसा लगता है हमारा दिमाग सबसे ज्यादा अब तो रात में ही काम कर रहा है तो ये तो भाई साहब बहुत चिंता की बात है है ना असल में दिमाग का यही जो मानसिक अवसाद है ना हम चीजों को पढ़ाई जैसे काम को जो हमारी जिंदगी बनाती है उसे फन के रूप में लेते ही नहीं है यार आप पढ़ाई को जिस दिन बहुत ज्यादा फन के रूप में लेने लग जाएंगे आप अपने लिए एक लाइटर नोट पे लेने लग जाएंगे यकीन मानिए पढ़ाई आपके मित्र बन जाएगी आप उसके प्रति अपनी सोच बदल दीजिए मैं अक्सर विद्यार्थियों से एक लाइन कहता हूं हॉलीवुड या बॉलीवुड इन सब ने उल्लू बनाया है लोगों को कि दिल तो बच्चा है साइंटिफिकली प्रूवन है कि दिल नहीं सोचता है आप बेवकूफ बनाएं अपने दिमाग को और दिमाग को बेवकूफ बनाने के लिए इससे संवाद करें और इससे ही संवाद यह करना है कि पढ़ाई अच्छी चीज है इसे समझाएं आप अपने आप को सेल्फ कन्विंस करें कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज है मुझे तो मजा आ रहा है साथियों शुरुआत में पढ़ने का मन मेरा भी नहीं करता था किसी का भी नहीं करता है कोई भी पैदाइशी पढ़ना नहीं चाहता परेशानी शरीर को पसंद नहीं है लेकिन जब आप दिमाग को समझाते हैं कि मेरा तो इंटरेस्ट ही पढ़ना है मुझे तो मजा ही पढ़ने में आता है तो दिमाग धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर देता है नकारात्मकता को खत्म कर देता है आप अपने दिमाग की रोज एक्सरसाइज करें जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं असल में मैं आपको उलट मेडिटेशन सिखा रहा हूं लोग मेडिटेशन का मतलब समझते हैं कि ध्यान केंद्रित करना मेडिटेशन है मैं कहूँ दिमाग को समझाना मेडिटेशन है आपके लिए आप समझा लीजिए इसे कि पढ़ाई आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है मजा आ रहा है पढ़ाई में मतलब कोई पूछे और कैसी चल रही है बोले एकदम मजा आ गया नया कंसेप्ट सीख लिया एकदम मजा ये जो काउंसलिंग है ना दिमाग की ये आपको निश्चित ही ऊंचाइयों तक ले जाएगी यकीन मानिए चलिए बढ़ते हैं लवकोश विनाता अमिता ए टू नीरज आदित्य कुरैशी नमन अक्षय दिग्विजय तुलसी धीरेन्द्र मृत्युंजय सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग जल्दी से सेशन शेयर करिए और पढ़ना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों में सबसे पहले प्रश्न से इंटरेस्टिंग है बहुत दिन हो गए नेपाल की बातें नहीं हुई नेपाल की बातें नहीं हुई तो नेपाल भी बुरा मान रहा होगा करते धरते इसने भी एक न्यूज़ दुनिया को दे ही दी लेकिन ये न्यूज़ आप लोगों को थोड़ा फन जरूर व्यक्त करेगी स्थिति यह है कि चीन ने कभी नेपाल को हवाई जहाज दिए थे सवारी उड़ाने के लिए आज हालत यह है कि नेपाल उनका मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रहा है क्या है पूरी कहानी आइए समझाते हैं और पूरा इसका एनालिसिस बताते हैं कि जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि चाइनीज माल टिकेगा नहीं वो बात कितनी सार्थक सिद्ध होती है आज के सेशन में आप चलिए जानकारी लेते हैं साथियों हाल ही के अंदर नेपाल के अंदर जो चीन के द्वारा बनाए गए विमान हैं उनकी न्यूज सुर्खियों में बटोर रही है चाइना सप्लाइड एयरक्राफ्ट टर्न लायबिलिटी फॉर नेपाल नेपाल ने कहा है कि जो हमें नेपाल के लिए दिए गए चीन के द्वारा विमान थे अब वो जिम्मेदारी ज्यादा हो गए हैं फायदा नहीं हो रहा है मतलब क्या हुआ आइए मैं बताता हूं इधर देखिए साथियों नेपाल के द्वारा पूरी पूरी की पूरी हिस्ट्री है टाइमलाइन है मैं इसके बारे में आपको बताता हूं 2011 का समय था जब चीन ने अपने एयरक्राफ्ट बेचने शुरू किए ये जो सवारी वाले जहाज है ना ये बेचने शुरू किए थे और जब बेचने शुरू किए तो बांग्लादेश और नेपाल दोनों विमान खरीदने के लिए चीन पहुंच गए जो विमान खरीदने थे उनका नाम था एम ए सिक्सटी और वाई ट्वेल्व जैसे बोइंग नाम सुनते हैं ना आप हवाई जहाज का ऐसे ही ये सवारी जहाज थे एम ए सिक्सटीज और वाई ट्वेल्व इस तरह के नाम थे साथियों बांग्लादेश ने इन विमानों को देखा चीन के अंदर बकायदा परीक्षण किया और बांग्लादेश ने कहा कि नहीं साहब ये सूटेबल नहीं है अच्छी क्वालिटी के जहाज नहीं है कोई बात नहीं बांग्लादेश बिना खरीदे वहां से निकल लिया अच्छा नेपाल क्या था कि उन दिनों इसे लग रहा था कि चाइना बहुत अच्छा मित्र है इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना जो है उसने छह जो विमान है वो नेपाल के साथ बांध दिए कि ले बेटा इनको छह विमानों को तू अपने साथ लेके घर चला जा ऐसा कहा गया रिपोर्ट्स के अंदर कि चाइना ने, ने नेपाल को इन इनको खरीदने के लिए फोर्स किया यानी मजबूर किया कि तुम्हें यह खरीदने ही होंगे यदि चीन से संबंध अच्छे चाहिए तो साहब नेपाल ने इनके ये दो विमान परचेज कर लिए फिर क्या था चाइनीज गवर्नमेंट ने जो ये गवर्न ये जो खरीदे इसके अंतर्गत नेपाल को अपेक्षा ये थी कि हम छः के पैसे देंगे और जैसे गाजर मूली धनिया साथ में मिलते हैं फ्री के अंदर कि आप दो सब्जी खरीदे एक चीज वो साथ में पकड़ा दिया मुफ्त में ऐसे ही नेपाल को उम्मीद हुई कि चीन जो है वो इसे दो विमान मुफ्त में उपलब्ध करा देगा अब साहब ये जो मुफ्त में उपलब्ध कराने की पर, परंपरा थी कि ये आने वाले समय में इसको उपलब्ध करा देगा वो थोड़ी उल्टी पड़ गई चीन ने मना कर दिया कि मैं आपको कुछ भी उपलब्ध कराने वाला नहीं हूं और ऐसी स्थिति के अंदर चीन के द्वारा भेजे गए ये जो विमान थे नेपाल के पास ये कितनी बड़ी लाइबिलिटी बन गए आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान में इन विमानों का जो इंश्योरेंस है ना वो तक पे करने के नेपाल के पास पैसे नहीं है मतलब अब ये विमान खड़े हुए विराज रहे हैं हालत ये है कि नेपाल की जो एविएशन कंपनी है उसके द्वारा इन विमानों को रखने के लिए प्रतिदिन एक, एक यूएस डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पर इन्हें खड़के नेपाल एयरलाइंस को रखना पड़ रहा है अभी तक 43 मिलियन नेपाली रुपया इनकी पार्किंग और इंश्योरेंस पर खर्च हो चुका है अभी तक साढ़े तीन महीने ऐसे हो चुके हैं जब से ये उड़ नहीं रहे हैं और केवल ये खड़े ही खड़े विराज रहे हैं अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है असल में हो ये ये रहा है कि जब ये विमान खरीदे गए थे तो खरीदते खरीदते इन पे ब्याज लगता चला गया और ये सत्तानवे करोड़ और यहां पर एक, एक करोड़ के आसपास ये विमान पहुंचे हुआ ये कि जब ये विमान इन्होंने खरीदे कुल मिलाकर के ये छह विमान खरीदे थे जब ये विमान खरीदे तो हालत ये थी कि चीन ने इनसे कहा था कि मैं आपको इन विमानों के खरीदने पर इसके अंदर लगने वाले सारे इक्विपमेंट मैं दूंगा साथ में अगर इनके अंदर खराबी होती है तो मैं इनका मेंटेनेंस मैं करूंगा लेकिन ये चीज उलट हो गई उलट ये हो गई कि चीन इसका किसी भी प्रकार से सपोर्ट कर नहीं रहा है माल खराब हो गया तो सुधारने के लिए मैकेनिक नहीं भेज रहा है या फिर उसको भी पता है कि यह सुधरेंगे नहीं और हालत यह हो गई है कि नेपाल एयरलाइंस ने अपने विमानों को नीचे ही खड़ा करना ठीक समझा क्योंकि उड़ते ही पता चला कोई मरमरा गया तो इंश्योरेंस के चक्कर में और पैसे घुस जाएंगे ऐसी स्थिति में चीन के द्वारा खरीदे गए विमान अभी नीचे ही जमीन पर विराजमान हैं और यहां पर बैठ करके ये उड़ने का ही इंतजार कर रहे हैं नेपाल के साथ जो है वो अच्छा नहीं किया चीन ने और इस प्रकार से नेपाल को एक लंबा सा नुकसान यहां पर देखने को मिला अच्छा अब यहां पर केवल नेपाल की ही बात नहीं है अब होता यह है कि यहां पर बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट पैदा हुए हैं दुनिया में इन दिनों जिनके अंदर नेपाल ही नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों ने चीन के माल को बहुत ज्यादा डिफॉल्टी पाया है यानी कि इस तरह का माल पाया है कि यार ये माल माल चल नहीं पाएंगे जैसे इसने बहुत सारे देशों को अपने मिलिट्री इक्विपमेंट बेचे जैसे कि बांग्लादेश को इसने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट बेचे तो वहां पर क्वालिटी का इशू आ गया मतलब जो विमान बनाकर जो सामान इसने चाइनीज माल बना के बेचा वो चल ही नहीं रहा है जरूरत पड़ने पर चाइना के जो वेपन हैं वो इंडिया के नेबर्स के पास में जैसे बांग्लादेश के पास में आए दो से लेकर अट्ठारह के बीच में चाइना नेपाल ये बांग्लादेश जो है इसने लगभग दो बिलियन डॉलर के चाइनीज वेपन परचेज किए थे लेकिन वो सारे के सारे जंक में चले गए इसी प्रकार से चाइना ने भी एम ए सिक्सटी प्लेन खरीदे थे वो सॉरी म्यांमार ने भी चाइना से एम ए

चला गया है ऐसी स्थिति में फिलहाल के लिए तो एक ही लाइन याद आती है कि हम चाइनीज माल को लेकर के इंडियंस जितने ज्यादा ऑथराइज़ हैं जो समझते हैं कि है ना चाइनीज चार दिन ही चलता है ये शायद इन लोगों तक ये बात नहीं पहुंची होगी शायद इसी कारण से ये पहुंच रहे थे अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये खबर मैंने केवल इसलिए पढ़ाई आपको ये ना समझे कि साहब नेपाल के साथ में जो बुरा हुआ वो पढ़ाना चाह रहे थे मैं आपको रिवर्स पढ़ाना चाह रहा था रिवर्स ये है कि दुनिया में नेपाल के अलावा भी बहुत से ऐसे देश हैं जो चीन से या तो हथियार परचेज कर रहे हैं या फिर एयरक्राफ्ट परचेज कर रहे हैं और जो चीन अभी तक दुनिया के अंदर इस तरह की इमेज रखता था कि वो केवल एक बायर है वो खरीद सकता है बेच नहीं सकता वो कितने सारे देशों में अपना माल बेच चुका है वो बात दूसरी है कि अमेरिका इसको खरीदने को इस बेचने को गलत प्रूव कर रहा है लेकिन हमें तो अपने आप में ये लेसन लेना होगा और कुछ सीखना होगा हम्म आज बीच बीच में मैं आपको पानी पीता हुआ दिखाई दूं तो परेशान मत होना क्योंकि आज रात भर सो नहीं पाया हूं किसी कारणवश तो क्लास के अंदर कुछ कंडीशंस हो सकती हैं आपको भी परेशानियां हो सकती हैं सेशन को शेयर करते रहें और कुछ पढ़ते रहें आइए साथियों हाल ही के अंदर ओईसीडी ने 15 परसेंट न्यूनतम वैश्विक कर के लिए पिलर टू मॉडल जारी किया है क्या है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है साथियों इंटरेस्टिंग न्यूज इसलिए है कि इस न्यूज के आने के बाद भारत को अपने यहां पर एक कानून बनाना पड़ेगा भारत की संसद में एक नया लॉ पास करना पड़ेगा क्या है न्यूज आइए मैं बताता हूं साथियों दुनिया के अंदर लगभग 137 देशों ने मिलकर के एक कसम खाई कसम क्या खाई कि अब हम हर कंपनी पर एक जैसा ही टैक्स वसूल करेंगे और ये कसम खाने वाले देश और कोई नहीं अपितु ओ के तत्वाधान में एकत्रित हुए कंट्री थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट ओईसीडी इन्होंने कहा है ओईसीडी के द्वारा एक बयान में कहा गया है कि हम लोगों ने एक नया मॉडल जारी कर दिया है नया मॉडल क्या है पिलर टू मॉडल अब ये आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है इसको समझने के लिए अभी से तैयार हो जाएं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना भी और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है इसे विस्तार से समझेंगे हम ओईसीडी ने पिलर टू मॉडल लॉन्च किया है अब यह पिलर टू मॉडल अपने आप में एक टर्म है इसे याद कर लीजिएगा जिसमें पंद्रह परसेंट ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात की गई है क्या है ये आइए मैं अब आपको बताता हूं इसको समझाने के लिए मुझे आपको कुछ बातें सिखानी होंगी और उन बातों को सिखाने के लिए आपको केवल इतना सा याद करना है कुछ बेसिक टर्म है ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन 15 परसेंट ग्लोबल मिनिमम टैक्स कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं साथियों ध्यान से सुने समटाइम्स क्या होता है अगर हम दुनिया के अंदर बात करें तो समटाइम्स क्या होता है कि

अभी टेस्ला इंडिया आई है तो टेस्ला इंडिया आई है तो वो टेस्ला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आई अपनी पेरेंट कंपनी टेस्ला वालों ने नीदरलैंड में बनाई ये मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं आपको ओरिजिनल टेस्ला कहां की है तो अमेरिका की है ऐसे ही याद करो वोडाफोन इंडिया आई इंडिया आने पर वोडाफोन है ब्रिटिश कंपनी इंडिया में व्यापार करी लेकिन अपना ऑफिस केमेंस आइलैंड जो है वहां बनाई ये क्या है ये अब क्या है समझेंगे आप तो निश्चित ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी ये शौर मान के चलिए होता क्या था कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है जैसे हमने मान लिया कि कोई कंपनी है और अब इस एक कंपनी को व्यापार करने के लिए भारत आना है ठीक है अब भारत में जब यह कंपनी व्यापार करने आई तो भारत में इसने अपने आप को बी नाम से रजिस्टर कर लिया जबकि यह है एक का का एक ही हिस्सा भारत में जब यह कंपनी आई तो भारत सरकार ने कहा कि आप अपने यहां पर जितना भी व्यापार करोगी इंडिया में जितना भी व्यापार करोगे जैसे मान लो हमारे यहां पे गूगल है फेसबुक है ये जितना भी व्यापार करेंगे तो व्यापार करने पर इस बी नाम की कंपनी को जो कि टेक्निकली तो ए है ये दूसरे देश में है ये विदेश में है मान लीजिए यूके के अंदर बैठी हुई है है ना तो इससे कहा गया कि आप देश में जितना पहले क्या होता था वो समझिए फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा आज की बात बताऊंगा तो हम इससे ये कहते थे कि आप इंडिया में जितना भी व्यापार करोगे व्यापार कैसे करोगे भाई पैसे कमाओगे ना सम प्रोडक्ट बेचोगे पैसे कमाओगे बोले हाँ तो उस पर हमें टैक्स दे देना हम उससे क्या मांगते थे कि आप जितना भी व्यापार करोगे उस पर हमें टैक्स दे देना यह कंपनी समझदार होती थी यह क्या कहती थी साहब ठीक है सर टैक्स तो मुनाफे पे देना होगा भाई जैसे आप लोग आप और हम जब पैसे कमाते हैं ना तो हम इनकम टैक्स देते हैं कमाई के ऊपर मान लीजिए कि साहब मैंने इतना कमाया इसलिए मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं जो कंपनीज होती हैं जैसे कि अगर मैं मेरी कंपनी की बात करूं तो कंपनी में जितना पैसा आया उस पर टैक्स नहीं दिया जाता देखिए मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में हालांकि जरूरत नहीं है जाने की फिर भी क्योंकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा इस बात को समझते समझते इसलिए और बेसिक से समझाने का प्रयास करता हूं हम जो भी पैसा कमाते हैं आप कमाएं मैं कमाऊं जब हम एज ए इंडिविजुअल कमाते हैं यानी कि मैं मेरे ही नाम से पैसा कमा रहा हूं तो उस स्थिति में आयकर विभाग ने कह रखा है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा आया मान लीजिए तीन लाख आया पांच लाख आया दस लाख आया तो उन अकाउंट पर आपको टैक्स देना होगा उसे इनकम टैक्स कहा गया आमदनी पर दिया गया टैक्स इनकम टैक्स हुआ ठीक है सरकार यह मान के चलती है कि तीन लाख तक इस व्यक्ति से कोई भी टैक्स मत लो या पांच लाख तक अभी थोड़ी इस रेंज बढ़ा दी गई है कि इस इस तक कोई भी टैक्स मत लो टैक्स मत लो से मतलब बोले इतना तो इसके रोटी पानी दाल के खर्चे में निकल जाएगा इससे ऊपर की जो कमाई है ना उस पर टैक्स लो ये तो है इंडिविजुअल कैटेगरी कंपनी के केस में क्या होता है कंपनी के केस में कहते हैं कि आप अपने मुनाफे पर हमें टैक्स दो आपने जो हम कमाया ना। जैसे मान लो मैं मेरी की बात करता हूं प्रॉफिट कमाया।, कमाया से मतलब कुछ खर्चे किए कुछ तनख्वाहें दी मैंने कुछ घाटे हुए कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट किए कुछ मैंने ऐसे काम किए जो मेरी कंपनी को चलाने के लिए जरूरी थे मैंने वो सब खर्च हटा दिए उसके बाद जो मुनाफा बचा मेरी कंपनी पर इनकम टैक्स विभाग कहता है उस पर हमें टैक्स दो और उस टैक्स को कंपनी पर लगने वाले टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से जाना जाता है इतनी बात समझ में आई कॉर्पोरेट का मतलब बड़े राज बड़े घराने जो है ना उन पर लगने वाले मैं एक उदाहरण के नाम से समझा रहा हूं आप इसको ऐसे समझिए तो ये हो गया कॉर्पोरेट टैक्स ठीक है तो जितनी बड़ी कंपनियां वोडाफोन के सब कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं एक तरह से ऐसे समझिए कि जो इंडिविजुअल कैटेगरी का इनकम टैक्स है कंपनी तक पहुंचते पहुंचते वो कॉर्पोरेट टैक्स बन जाता है आसान भाषा में समझने का हम लेमैन लैंग्वेज में समझने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ी टेक्निकलिटी दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सकती है आप इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चल रहे हैं लेकिन अब आपने नोटिस किया हो तो मैंने कहा खर्चे वर्चे सब सेट कर लो और उस आधार पर अपन इसके अंदर बचे हुए पैसे पर टैक्स लेंगे टैक्स होता है बहुत ज्यादा टैक्स होता है 30 परसेंट पैंतीस परसेंट चालीस परसेंट सरकार के अलग अलग स्लैब हैं अब इतना अगर टैक्स है तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या सोचती है कि यार मैंने इतना कमाया कमा के इतना परसेंट तो सरकार को ही दे दिया तो हर देश क्या चाहता है हर देश चाहता है कि मैं टैक्स बचा लूं टैक्स बचाने का मतलब क्या हुआ अगर मान लो मेरी बचत सौ रुपए है और मुझे चालीस रुपया सरकार को देना पड़ गया तो बहुत दुखता है कि यार मैंने इतना पैसा कमाया उसमें से आधा तो सरकार ने ले लिया मतलब मेरी आजकल नींदे ना आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि चालीस परसेंट तो कमाई का पूरा सरकार ले ले रही है तो ऐसा लग रहा है कर क्या रहा हूं यार मैं लेकिन वो भी एक कंपलसरी पार्ट है अब इस चीज को अगर आप समझते हैं तो इसके आधार पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं इन कंपनियों के साथ सेटिंग क्या होती थी ये अपने आप को बताते थे कि सर खर्चा दिखाने की आपने अनुमति दे रखी है बोले हाँ तो सर हम एक काम करते हैं हमने जो पैसा कमाया ना वो हमारी पेरेंट कंपनी के पास भेज रहे हैं ध्यान से समझिएगा हमने जो पैसा कमाया वो हम अपनी पेरेंट कंपनी के पास भेज रहे हैं मुनाफे के रूप में बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और हम जब विदेश में कमाने जाते हैं तो इंडिया में अपना धन बचा बचा करके भेजते हैं जिसे आप रेमिटेंस के नाम से जानते हैं विदेशी संप्रेषित धन के नाम से जानते हैं ठीक है ऐसे ही इन कंपनियों ने कहा कि सर जब हम बाप बा, बेटे एक ही हैं, एक ही कंपनी दो जगह है तो आप यह मत समझिए कि हम अलग हैं तो बेटा ये लोग क्या करते थे यहां से लेके पैसे अपने इधर टिका देते थे कि लो साहब ये रहा। और हमको दिखाते थे कि साहब हमारी तो पूरी की पूरी मामला ही साफ है कुछ बचा ही नहीं हमारे पास तो पैसा ही नहीं बचा अच्छा साहब ऐसी स्थिति में हम ये सोचते थे कि ये जो मुनाफा यहां गया है शायद हो सकता है इन्हें यहां टैक्स देना पड़े कहीं तो टैक्स देगा ही लेकिन साथियों दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो हम यहां पर 25, 30, 40 परसेंट टैक्स ले रहे हैं दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो एक एक परसेंट पर चल रहे हैं टैक्स ही एक परसेंट है क्योंकि उन्हें अपने देश में केवल कंपनी खुलवानी है ताकि इन्वेस्टमेंट आ जाए जैसे एक केमेंस आइलैंड करके है मॉरिशस है सिंगापुर है इन देशों के अंदर दुनिया भर की कंपनी अपने ऑफिस खोल करके बैठी हुई है रीजन इंडिया से टैक्स को बचाने के लिए कंपनी वहां पर चली जाएगी और दिखाएगी कि मुनाफा ही नहीं हुआ और जो हुआ उस पर टैक्स एक परसेंट बनता है या जीरो परसेंट बनता है इंडिया को बहुत दिक्कत होती थी साहब इसे कहते हैं टैक्स इरोजन बेस इरोजन बहुत दिक्कत होती थी इंडिया को इतनी दिक्कत होती थी कि इसने दुनिया भर के स्थितियों पर पैनल्स पर इस बात को उठाना शुरू किया और दुनिया के कई देश इस चीज से परेशान हो गए कि बेटा कमाते हमारे यहां पर हैं और बचत किसी और के दिखाते हैं जहां टैक्स नहीं देना पड़ता इस बात को इंडिया ने जी ट्वेंटी में उठाना शुरू किया ग्रुप ऑफ ट्वेंटी नेशंस जिसकी अध्यक्षता भारत को भी करनी है अगले साल ऐसी स्थिति में भारत ने उठाना शुरू किया इस मुद्दे को अमेरिका के सामने फेसबुक गूगल ये हमारे देश से कमा करके पैसा लेते हुए जा रही है नुकसान बहुत हो रहा था हमने जब ये उठाना शुरू किया मुद्दा तो ये मुद्दा पहुंचा ओईसीडी के पास ओईसीडी असल में है क्या ऑर्गेनाइजेशन है साथियों एक तरह से विकसित राष्ट्रों का जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्री है ना वो पेरिस के अंदर एक जगह पर बैठते हैं जिसका जिस जगह का नाम है है ओईसीडी समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ठीक वहां पर बैठते हैं वहीं जो यही वो देश है जो एफ का निर्णय लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कि किसको लोन देना है किसको नहीं देना है वहां पर हम सब पहुंचे और हमने कहा कि देखिए सर ऐसी बात है आप तो डेवलप्ड कंट्री हैं आपकी कंपनी हमारे यहां आती है पैसा कमाती है और चली जाती है हमें कुछ भी नहीं बचता तो हम उसको आने क्यों दें हम अपनी डेवलप कर लेंगे हम बिना टैक्स लगाए बिना कमाए रह नहीं सकते ओईसीडी को यह बात समझ में आ गई अक्टूबर 2021 में इस बात को लेकर के सहमति बनना शुरू हुआ कि यार क्या किया जाए ताकि इंडिया जैसे देश को भी कुछ मुनाफा हो ठीक है इस चीज के लिए ओईसीडी एक जर्नल निर्णय पर पहुंची है एक सामान्य निर्णय पर पहुंची है और वो क्या है कंपनी जहां भी है उसे पंद्रह परसेंट टैक्स देना ही होगा दोबारा सुनिए कंपनी जहां भी है चाहे सिंगापुर में है चाहे इंडिया में है चाहे जहां भी है, उसे पंद्रह परसेंट टैक्स देना ही पड़ेगा लीजिए हो गया सारा काम आप इस न्यूज को पढ़िए और फिर समझने का प्रयास करिए क्या है इधर देखिए न्यूज है ओईसीडी ने और ये जो पंद्रह परसेंट का नियम निकाला है ना इसे ही पिलर टू कहा गया है ध्यान से सुनिएगा उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए इसी शब्द को पिलर टू के नाम से जाना गया है पिलर टू क्या है मॉडल है एक जो कि डोमेस्टिक इंप्लीमेंटेशन 15 परसेंट ग्लोबल मिनिमम टैक्स यानी कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता साथियों अब ऐसा नहीं हो सकता कि भारत से कोई कंपनी दूसरे देश इसलिए जा रही है क्योंकि वहां एक परसेंट टैक्स है जी नहीं अब मिनिमम टैक्स ही पंद्रह परसेंट है अब आप पूछेंगे सर लेकिन इससे तो नुकसान होगा इंडिया को हमने कहा भाई क्यों भाई नुकसान क्यों होगा सर पहले अपन 30 परसेंट लगाते थे 25 परसेंट लगाते थे 28 परसेंट लगाते थे टैक्स कंपनी के ऊपर अब 15 परसेंट लगाना पड़ेगा हमने कहा देखो बेटा पहले तुम जितना भी परसेंटेज लगाते थे वो कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती थी वो लेकर के दूसरे देश में चली जाती थी अब इन देशों ने एक आम सहमति बना ली कि यार कुछ भी नहीं मिलने से ज्यादा अच्छा है पंद्रह परसेंट तो मिले आप 28% परसेंट लगा के किताबों में बैठे हुए हो मिल कुछ भी नहीं रहा ऐसी स्थिति दे तो में देशों ने बैठ के निर्णय कर लिया है कि वो ग्लोबल मिनिमम टैक्स लागू करने वाले जिसमें सभी डेवलप्ड कंट्री शामिल हैं इंक्लूडिंग इंडिया उन देशों के अंदर सारे देश शामिल हो गए अब ये सारे के सारे देश बैठ के क्या निर्णय लेने वाले हैं, अब कहा जाएगा कि आप अपने देश के अंदर 15 परसेंट का कानून बनाइए इसी कारण से 2022 का जो बजट आएगा आप फरवरी आने दीजिए और इस न्यूज को अभी से लिख करके रख लीजिए कि भारत अपने कॉरपोरेट टैक्स के अंदर नया स्लैब लेके आने वाला है दैट इज ऑफ 15 परसेंट अभी से लिख लीजिएगा क्योंकि भारत खुद इस मीटिंग के अंदर था 15 परसेंट ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात हो चुकी है और हमने जो आपको बताया इसी को एंटी बेस इरोजन मॉडल कहा गया है उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी क्या है पूरी जानकारी अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तो एक बार थम्सअप कर दीजिए वीडियो को सभी साथियों से शेयर कर दीजिए अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए यानी आने वाले समय में अब क्या होने वाला है पिलर टू मॉडल एक्टिवेट होने वाला है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस जो हैं उनके बीच में होने वाले टैक्स के बचत को करने के लिए अब यह सिस्टम लागू कर दिया जा रहा है आगे बात समझ में अच्छा दूसरा पिलर वन और पिलर टू तो आप पूछेंगे जब यह पिलर टू है तो पिलर वन क्या था पिलर वन पहले यह था कि भाई जो भी टैक्स कंपनी कम, प्रॉफिट कमाती है वो अपने आप से समझ के बांट लें अपने पैसे को इसके लिए पिलर वन मॉडल आया था लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया था इसलिए पिलर टू आया है जो कि पंद्रह परसेंट की टैक्स लैब लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ है कॉर्पोरेट इनकम के ऊपर अब आपको पैसा देना पड़ेगा यह पिलर वन है यह पिलर टू है क्लियर हो गया पिलर वन में क्या था पिलर वन में केवल एथिकल बातें की गई थी कि हाँ भाई पैसा जो तुम कमाओ वो दूसरे को भी दे देना पिलर टू के अंदर क्या कहा गया मैंडेटरी कर दिया गया कि नहीं साहब आपको पंद्रह परसेंट देना ही होगा ठीक है इसके लिए आने वाले समय पर हम लोग क्या लाएंगे कानून लेकर के आने वाले हैं भाई हां क्लियर हो गया बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ बिल्कुल विकास विकास राणा लिख रहे हैं कि सर आपने पहले पढ़ाया भी था इसको पाकिस्तान ने इसे नहीं माना था बिल्कुल अभी भी पाकिस्तान नहीं माना है ठीक है ना पाकिस्तान को लगता है कि अब आने वाले समय में उसकी कंपनियों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा इसलिए दुनिया के देश पाकिस्तान चले आएंगे वो उसकी सोच है एनी anyway, वे तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो जो मैंने आपको बताया है पंद्रह का जो रेट है वो निकल के आ गया है दुनिया भर के देश अलग अलग प्रकार के टैक्सेशन लगाते हैं अब पंद्रह का टैक्स आने से टैक्सेशन से बहुत ज्यादा राहत मिलेगी दुनिया भर की कंपनियों को भी राहत मिलेगी और इंडिया को भी राहत इससे मिल ही जाएगी ठीक है ना उम्मीद है सभी साथी इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे चलिए साथियों तो ये उम्मीद है अच्छी बात आपको पता चल गई हो और उम्मीद है कि दो से यह लागू हो जाए ये हो। हमने बता दिया आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ वीडियो को लाइक और शेयर करना कतई मत भूलिए अपने साथियों के साथ में शेयर करते चलिए एक और इंपॉर्टेंट खबर है और वो खबर क्या है साथियों हाल ही के अंदर संसद का जो सत्र है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया यानी कि एडजर्ण सिनेडाई कि भाई अब ना तो लोकसभा ना राज्यसभा यानी कि एक तरह से ऐसे समझिए कि जो हमारा विंटर सेशन था वो खत्म हो गया है ठीक है अब बजट सत्र में ही मुलाकात होगी चिंता यह है कि इस संसद सत्र के अंदर हमारे द्वारा हार्ड अर्न मनी से जो पैसा सांसदों पर खर्च किया जाता है उन्होंने काम कितना किया आप ऐसे समझिए आप और हम जो भी टैक्सेशन दे रहे हैं अच्छा आप अपने बारे में ये मत विचार कर लीजिएगा कि टैक्स आप लोग नहीं देते हैं नहीं साहब टैक्स आप लोग भी भर भर के देते हैं आप ही के टैक्स से देश चल रहा है जो डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग हैं भले ही वो देश में कम हो वो एक आध परसेंट ही हो लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आप भी खूब सारा टैक्स दे रहे हैं जिस बत्ती से आप पढ़ रहे हैं बिजली से आप उस पर टैक्स देके बैठे हुए हैं जिस इंटरनेट को आप यूज कर रहे हैं उसमें आप टैक्स देके बैठे हुए हैं जिस सामान को आप जिस मोबाइल या लैपटॉप से आप पढ़ रहे हैं उस पर आप टैक्स देके बैठे हुए हैं आप जो कपड़े पहन चुके हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं घर का निर्माण किया उस पर टैक्स है सब पर टैक्स देकर के आपने सरकार को पैसा पहुंचाया कि लीजिए अब कुछ काम करिए ये बिल्कुल ऐसे ही है यार अगर आपने अपने लिए कोई कर्मचारी रखा मान लीजिए मैंने मेरे लिए एक कर्मचारी रखा उसका काम है कि भाई वो आकर के मेरी मतलब मूड खराब और करे ऐसी में आपको जितना गुस्सा आता है ऐसा गुस्सा आपको आना चाहिए संसद की कार्यवाही पर असल में संसद के अंदर इस बार की जो प्रोडक्टिविटी है वो दो दशक के अंदर सबसे इवन तीन दशक का आंकड़ा बोल रहे हैं लेकिन पीआरएस इसको दो दशक बोल रहा है तीसरी सबसे मिनिमम उपलब्धि हासिल की यानी कि अब तक का सबसे सेशनों में से एक सेशन रहा है संसद का इस बार का सत्र अब तक तीन ही सत्र इतने बुरे हुए हैं जिनमें से यह सत्र भी है यानी कि प्रोडक्टिविटी के नाम पर मैं आपको कुछ आंकड़े साझा करता हूं आप जरा उन आंकड़ों को देखें और उससे अंदाजा लगाए कि हमारे विंटन सेशन के अंदर क्या काम हुआ है आप इधर देखिए और इसके चलते हुए जो राज्यसभा के मतलब सभापति जो है हैं अपने वेंकैया नायडू जी हो या फिर बिड़ला जी हो इन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसे काम करेंगे तब तो चल लिया देश आप इस तरह से अंदाजा लगाइए कि राज्यसभा को जो काम दिया गया था राज्यसभा ने अपने समय का केवल 47.9 परसेंट समय ही उपयोग में लिया है आपको याद होगा हम लोग कहते हैं कि सांसद वहां जाएंगे देश के हित में बात करेंगे पूरे विंटर सेशन में मात्र सैतालीस समय जो है ना वो राज्यसभा का यूटिलाइज हो पाया है केवल 18 बैठकें हो पाई हैं जिसके अंदर यहां पर बातचीत हुई है ठीक है ना केवल 18 सीटिंग यहां पर हुई है शेड्यूल सीटिंग थी साथियों पिचानवे घंटे 6 मिनट की यानी कि सांसदों को 95 फाइव आवर्स तक संसदों में संसद में बैठना था लेकिन ये 45 घंटे तक ही संसद के अंदर बैठे वहीं अगर लोकसभा की अगर हम बात करें तो साथियों लोक लोकसभा के तो हाल और बुरे हैं लोकसभा में जहां तिरासी घंटे का समय अलॉट किया गया था 83 थ्री आवर्स अलॉट किए गए थे वहां केवल 18 घंटे ही काम हुआ है आप विचार करिए 83 के मुकाबले 20% परसेंट या 25% परसेंट टाइम ही लोकसभा ने अपना उपयोग में लिया है आप इससे सोच सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है ना पीआरएस जो कि मतलब अपने प्रेस रिलीज ब्यूरो जो है, जो है, ये रिलीज करता है कि हाँ भाई किस तरह का सेशन रहा लोकसभा का यह सेशन बीते 20 सालों के अंदर तीसरा सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन कहा गया है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सेशन हमारे सांसद जो है वो हमारे धन से क्या कर रहे हैं अच्छा इसके साथ साथ फिर कारण भी हमें जानने होंगे कि ऐसा आफ्टरऑल हुआ क्यों आप इधर देख सकते हैं अक्टूबर 1990 से लेकर के 2021 के कुछ आंकड़े हैं आपके सामने उन आंकड़ों के अंदर यह जानकारी आपके सामने रखी गई है थर्ड सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन के अंदर इसे काउंट किया गया है ठीक है ना अच्छा साथियों इस पूरे की पूरे सेशन के काल में संसद ने केवल 11 बिल पास किए कितने 11 बिल इंट्रोड्यूस किए पास भी नहीं किए 11 बिल इंट्रोड्यूस किए सेशन के अंदर और मतलब यहां पर आप देख सकते हैं या तो वो उसके पास चले गए हैं ये प्रमुख ग्यारह बिल हैं जो यहां पर विंटर सेशन के दौरान पास किए गए फार्म लॉ बिल डैम सेफ्टी बिल असिस्टेंट और अधिकांश मैंने इसके अंदर आप लोगों को पढ़ा भी दिए हैं जो इंपॉर्टेंट थे मैं डेम डैम सेफ्टी पढ़ा चुका हूं फार्म लॉ पढ़ा चुका हूं एआरटी पढ़ा चुका हूं ठीक है ना हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला पढ़ा चुका हूं और इलेक्शन लॉ वाला पढ़ा चुका हूं जो प्रमुख प्रमुख थे मैंने लगभग पांच तो आपको इसमें से पढ़ाई भी है क्लास के अंदर ये बिल यहां पर कुल मिलाकर के पास किए गए ठीक है अच्छा साथियों अब थोड़ा सा इसके बारे में टेक्निकलिटी की बात करते हैं कारण जानते हैं कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्यों कि साहब हमारे यहां पर सांसदों ने काम किया क्यों नहीं और काम कैसे करवाया जाए देखिए मेंस का एक बेहतरीन प्रश्न बनता है कि संसद जो कि भारत के अंदर डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो मतलब संसदीय व्यवस्था है उसका मूल मंत्र है आर्टिकल एटी में लिखा है ऐसी स्थिति में अगर वो काम नहीं कर रही है तो उसको काम करने की सलाह क्या दी जा सकती है कैसे काम करवाया जाए आपको एक आंसर दूंगा कि क्या है वो यूके का मॉडल जिसका उपयोग करके संसद को जिम्मेदार बनाया जा सकता है मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी लेकिन क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था है ना ये यूके से ही कॉपी करी है लेकिन यूके की वो व्यवस्था कॉपी नहीं करी जिससे सांसदों को काम करने के लिए उत्साहित किया जा सकता है या उनको काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है चलिए अब हम बात करते हैं पहले कारण जानते हैं कि सांसदों ने काम आफ्टर ऑल क्यों नहीं किया नंबर एक पहला था सांसदों के अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन था किस बात का डिससेटिस्फेक्शन था संसद के अंदर जैसे ही राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ बारह सांसदों को निलंबित कर दिया गया सांसदों को निलंबित करने की वजह से क्या हुआ कि यहां पर संसदों जो बाकी सांसद थे वो विरोध प्रदर्शन पर चले गए कि आपने बारह सांसद निलंबित कर दिए हैं तो हम काम नहीं करेंगे देखिए दो बातें हैं हमारा विपक्ष भी अपने विरोध प्रदर्शन में जिस प्रकार की चर्चा करता है एक प्रकार से अगर आप जागरूक नागरिक हैं तो सरकार और विपक्ष दोनों पर यह जिम्मेदारी हमें अपनी तरफ से तय की जानी चाहिए कि जनाब आपको तो वहां पर काम करने के लिए भेजा गया है विरोध प्रदर्शन के लिए आपके पास और भी समय बचता है जब आप बाकी समय आए तब विरोध प्रदर्शन कर लें। लेकिन जब काम की बात है तब कम से कम देश का नीति निर्माण तो ढंग से कर लें फिर तो सरकार केवल वही करेगी जो सरकार को चाहिए यानी अपोजिशन को चाहिए कि जिस समय कंस्ट्रक्टिव डिबेट का समय हो एटलीस्ट ऐसे पॉइंट दुनिया के सामने तो ला दो जो पता ही नहीं चल रहे हैं थोड़ा मतलब एक तरह से पढ़ लिख कर आप पहुंच जाओ ना भाई हम ये मानते हैं कि संसद में वो वो पार्टी बिल पास करा ले जाती है जिसके पास बहुमत होता है अनडाउटेबली लेकिन जरा विचार करिए कि अपोजिशन अगर दुनिया को ये बताने में भी कामयाब हो जाए कि इस बिल में ये खलाब है ये सही है तो सोच के देखिए कि इसका कितना ज्यादा फायदा होगा और हुआ भी ना फार्म बिल के केस में अपोजिशन ने दुनिया के सामने अवेयरनेस फैलाने के लिए जो काम किया वो आपने प्रैक्टिकली सामने देख लिया कहने का मतलब एकदम इस तरह से स्पष्ट है कि संविधान के अंदर जो कानून बनाने की का, मतलब ये जो लॉ बनाने का काम करने वाली अथॉरिटी संसद है ना यहां विपक्ष का भी विजिलेंट होना बहुत जरूरी है okay. नंबर दूसरा अनरेस्पोंसिव गवर्नमेंट एंड इंटेंसिव बिहेवियर ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस टुवर्ड्स अपोजिशन मतलब सरकार के द्वारा भी पहला काम तो क्या था पहला काम तो हुआ डिससेटिस्फेक्शन एम के अंदर कि भाई हमको कोई सुनी नहीं रहा है क्योंकि सरकार के द्वारा जो लास्ट टाइम फार्म बिल पास किए गए थे ना वो फार्म बिल पास किए गए थे एक प्रकार से संसद के अंदर अपोजिशन से बिल्कुल किना किसी इंटरफेयर के अब दूसरी बार क्या हुआ जब उनको रिपील किया गया यानी हटाया गया डे वन पे ही हटा दिया गया किसान बिलों को तो हटाते समय भी बिल्कुल ऐसा ही काम हुआ कि एक प्रकार से अपोजिशन को इग्नोर ही मार दिया गया कि तुम हो क्या तुम नंबर्स में हो ही नहीं तो हट जाओ एग्जैक्टली exactly ऐसे ही अनरेस्पॉन्सिव जो सरकार है उसका नुकसान हो रहा है तीसरा पॉलिटिकल पार्टी नॉट अडेयरिंग टू पार्लियामेंट्री नॉर्म्स यानी कि एक प्रकार से अपनी संसद के अंदर कोई एथिकल कमेटी काम ही नहीं कर रही है अगर ऐसा हो तो हमारे सांसदों को भी बोलने का बिहेव करने का आजकल कर हम सुनते हैं बैठ करके सभापति रोने लग रहे हैं लोग पन्ने फाड़ रहे हैं संसद में इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है जैसे अपने मतलब नगर पालिकाओं के अंदर पार्षद काम कर रहे हो तो ऐसी जो स्थिति है ना पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो एथिक्स है ना उसको विकसित किए जाने का काम किया जाना चाहिए एबसेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट डिसरप्टिंग एमपी अगर कोई एमपी कार्यवाही को परेशान कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन

सेशन यानी सत्र आता है तो सत्र के अंदर तीन सदन होते हैं कौन-कौन से सदन होते हैं एक सदन का नाम होता है बी यानी बजट सेशन एक सेशन का नाम होता है एम यानी मानसून सेशन और एक सेशन का नाम होता है डब्ल्यू यानी विंटर सेशन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये जो बी एम डब्ल्यू सेशन है ना हमने कॉपी मारे थे ब्रिटेन से यानी कि यूके से ही हमने ये कॉपी मारे थे ये हमारे वाले सेशन नहीं है ठीक है हमने पार्लियामेंट्री व्यवस्था यूके से ही कॉपी पेस्ट की है आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस बीएमडब्ल्यू व्यवस्था को जिस ब्रिटेन से हमने कॉपी मारा वहां पर संसद कैसे चलती है क्या वहां पर भी ऐसा ही होता है जी नहीं आप इस पॉइंट को सलाह के रूप में लिख सकते हैं हमें यूके का मॉडल पार्लियामेंट्री वर्किंग का अपनाना चाहिए जिसके अंदर यूके की संसद के अंदर 100 दिनों तक पार्लियामेंट को बैठना अनिवार्य है यानी कि एक प्रकार से समझिए हमारे यहां पे सदन के अंदर सत्र की अनिवार्यता ही ऐसे है कि छह महीने से ज्यादा की छुट्टी नहीं होनी चाहिए वहां पर यह है कि तीन दिन में से सौ दिन तो संसद सिटिंग करेगी ही करेगी इसके अलावा जो अपोजिशन है उसे 20 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा यह सलाह में लिखिए कि संसद को कैसे कानूनी रूप से चलाया जाए तो मैं आपको ब्रिटिश मॉडल बताता हूं कि ब्रिटेन के अंदर संसद कैसे काम करती है तो पॉइंट नंबर वन अपने पास मेंशन कर लीजिए कि ब्रिटेन के अंदर 100 दिन की अनिवार्यता है कि संसद बैठेगी ही ऐसे नहीं है कि साहब हमारे सभापति को लगा क्या लगा हमको मतलब संसद नहीं बुरानी चाहिए डाई कर दीजिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दीजिए जी नहीं ब्रिटेन में इसका उलट है उलट यह है कि आपको सौ दिन की अनिवार्यता पूरी करनी है नंबर एक इसके अलावा जो अपोजिशन है यानी विपक्ष है उसको बीस दिन के लिए अपने साथ में अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता है अपोजिशन ज्यादा दिन बैठता है और वो ज्यादा दिन बैठ करके प्रॉपर तरीके से डिसाइड करता है कि क्या एजेंडा होगा यानी कि किस विषय के ऊपर डिस्कशन करना है सरकार के साथ ये अपोजिशन उन 20 अतिरिक्त दिनों तक बैठ के करता है अच्छा इन 20 दिनों में भी जो 17 दिन है वो वहां की मेजर अपोजिशन पार्टी यानी कि लोकसभा के अंदर जिसका सबसे ज्यादा बहुमत होगा अपोजिशन में या जिसके पास सबसे ज्यादा मतलब सीटें होंगी सत्रह दिन तो उसको दिए जाते हैं और तीन दिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को दिए जाते हैं यानी कि एक तो सरकार हो गई अपोजिशन हो गई अपोजिशन में भी दो पार्टियां एक ज्यादा वोट वाली एक कम वोट सौ से को, यानि कुल एक बीस दिन का सेशन हुआ इस बीस दिन में से सत्रह दिन अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी बैठी और तीन दिन सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बैठी तब जाकर के काम यहां पर होता है अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा साथियों यहां पर यूके के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो क्या है कि यदि कोई भी सवाल प्रधानमंत्री से किसी एमपी ने पूछा है ये बहुत बड़ी बात है मतलब मैं यह कह रहा हूं कि अगर यह चीज आ जाए तो भारत का भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यह वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम के अंदर काउंट किया जाए यह ना केवल ब्रिटेन में बल्कि कैनेडा में भी एज इट इज सिस्टम लागू होता है और सिस्टम यह है साथियों कि यदि किसी एमपी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है तो प्रधानमंत्री इज बाउंड टू आंसर दैट क्वेश्चन सोच के देखिए हमारे यहां पे तो संसद कई दिनों तक बाउंड का मतलब उसको देना ही आंसर पड़ेगा मतलब प्रधानमंत्री मना नहीं कर सकता कि मैं आंसर नहीं दूंगा जबकि आप सोच के देखिए भारत में कितने बड़े बड़े भीषण घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिस पर विपक्ष ने केवल इसलिए सेशन नहीं चलने दिया कि प्रधानमंत्री जवाब दें प्रधानमंत्री का जवाब ना देना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जबकि ब्रिटेन में यह कंपलसरी कन्वेंशन है आपको फुलफिल करना ही है कि आपको जवाब देना होगा तो यह मॉडल अपनाया जाना चाहिए जो ब्रिटिश का हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया कैनेडा ने जिसको कॉपी किया इंडिया को भी चाहिए कि अपने पार्लियामेंट्री सुधारों में इस बात को इन्वॉल्व किया जाए कि वो सांसदों से ये जवाबदेही तय करें ठीक है ना तो आर्टिकल पिचासी जो है वो पार्लियामेंट्री सेशंस की बातें करता है जिसमें दो सेशंस के बीच में छह माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए ये बातें करता है ये सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को दे दी हैं तो उम्मीद है अब आपको प्रॉपर तरीके से ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो आपसे पूछा जाता है एक मेन्स का क्वेश्चन आप इसके अंदर आपसे आज प्रश्न का मैंने आंसर भी पूछ लिया है आपसे क्वेश्चन दिया गया है हाईलाइट द एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंट पार्लियामेंट यानी कि वो कारण क्या है जिनके चलते हुए संसद बहुत ज्यादा जल्दी डिसरप्ट होती है आप वो लिखे, आपको मैंने यहां पर आंसर दिया है और सजेस्ट करिए ऐसे कार्य जिसकी वजह से पार्लियामेंट का काम स्मूद हो सके तो मैंने अब आपको वो भी दे दिया है ठीक है ना उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी ठीक है ना आगे बढ़ते हैं साथियों क्लियर है चलिए आगे बढ़े साथियों अगले प्रश्न की तरफ अगर आपको सेशन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें सबको सब्सक्राइब वगैरह जो जो करना होता है वो सब कर लें साथियों अब एक चीज और बताते हैं आपको आप में से किसी साथी ने यदि आज तक किसी भी ऑनलाइन कंपनी से कोई सामान परचेज किया हो।, हो सकता है आप में से किसी ने फ्लिपकार्ट से अमेजन से कोई सामान परचेज किया हो तो सामान परचेज जब आप करते हैं तो आपकी डिटेल्स को वेबसाइट पर सेव कर लिया जाता है आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम कोई ऑनलाइन कंपनी से सामान परचेज करते हैं तो सामान परचेज करते समय कंपनी हमसे डिटेल्स मांगती है कि आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डालिए जब आप डेबिट कार्ड की डिटेल डालते हैं तो डेबिट कार्ड की डिटेल या क्रेडिट कार्ड की डिटेल अमेजन फ्लिपकार्ट या फिर कोई टूरिस्ट वाली कंपनी है मतलब ट्रेवल वाली कंपनी है होटल कंपनी है ये सब अपने पास उस जानकारी को सेव करके रखते हैं अंत में केवल आपसे आपका CVV मांगते हैं कि साहब आप अपना CVV दे दीजिए हम बाकी का काम जो है वो चला लेंगे क्लियर है तो साहब ऐसी बात अगर होती है तो एक बड़ा सवाल बनता है और वो बड़ा सवाल क्या है मैं चाह रहा हूं कि आपको इसको करके भी दिखा देता है ना तो आपकी जो सेव्ड जानकारी होती है ना वो जानकारियां आपसे मांगी जाती हैं तो जानकारी जब आपसे मांगी जाती है तो मैं करने में थोड़ा समय लगेगा आप खुद से देखिएगा आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल बैंक जो है या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट सेव करके रखती है और अंत में जब आपके कार्ड के पीछे लिखा हुआ एक नंबर होता है तीन अंक का केवल उस तीन अंक के नंबर को डालते ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है ठीक है अच्छा आरबीआई ने एक चीज नोटिस करी साहब क्या नोटिस करी कि जितने भी एटीएम के साथ या क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड होते हैं ना डेबिट कार्ड के साथ या क्रेडिट कार्ड के साथ वो इसलिए होते हैं कि असल में आपकी डिटेल अभी तो आपके पास है आपके पास से यह डिटेल जाती है उस मर्चेंट के पास जो सामान बेच रहा है वहां से वो बैंक के पास बैंक के पास से कार्ड धारता के पास इस तरह से आपकी डिटेल पांच छह जगह चक्कर काटती है तब जाकर के पैसे कटते हैं ऐसी स्थिति में अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी लीकेज हुआ तो आपकी कार्ड की सेंधमारी से संभव है कि आपका अकाउंट हैक हो जाए और आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पैसे कोई और ही निकाल के बैठ जाए आप कितनी भी सिक्योरिटी रख लीजिए लेकिन पांच छह जगह अगर एक ही जैसी जानकारी शेयर होगी तो कहीं पर भी अगर लीकेज हुआ तो काम निश्चित ही बिगड़ना है RBI इस चीज से बचने के लिए एक नई व्यवस्था लाई और उस व्यवस्था का नाम है टोकनाइजेशन टोकन और टोकन के पीछे नाइजेशन है ना जैसे वेस्टन के पीछे ग्लोबल के पीछे ग्लोबलाइजेशन है ना ऐसे ही साथियों टोकन के पीछे टोकनाइजेशन की परंपरा कौन लेके आई आरबीआई लेके आई क्या है ये आइए बताता हूं देखिए इस प्रकार से आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स जो है ना वो बैंक के द्वारा या सॉरी जो कंपनी है सामान बेचने वाली वो सेव कर लेती हैं ठीक है तो क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं एक बार के लिए आप जर्नल प्रोसीजर समझिए आप में से कब सबने जितने भी बच्चे इस समय ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कभी ना कभी लाइफ में आपने ऑनलाइन अपने एटीएम से या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिसे आप बोलते हैं उनसे सामान खरीदा होगा नहीं खरीदा है तो कैश ऑन डिलीवरी खरीदा होगा आप में से सब नहीं तो 90 परसेंट लोग इस काम को कर चुके हैं देखिए ध्यान से होता क्या है होता क्या है कि जब आपसे पूछा जाता है क्या पूछा जाता है साहब कि लाइए साहब सामान तो परचेज कर लिया अब एटीएम से पेमेंट कर दो तो जब आप पेमेंट करने बैठते हैं ना रेगुलर तरीके में बता रहा हूं जो आप आप काम करते हैं तो होता क्या है कि आप अपनी सारी डिटेल्स डालते हैं उसके अंदर सारी डिटेल्स जैसे अपना कार्ड का अंतिम नंबर डालो कंपनी सेलेक्ट करो अपना सीवीवी नंबर डालो बताओ कि ये कब खत्म हो रहा है इसका अंतिम समय क्या है ये सब बताना होता है जब आप ये सब बता रहे होते हो ना तो ये कार्ड की सारी डिटेल्स जब आपने कोई सामान परचेज किया तो ये डिटेल्स जो है ये मर्चेंट के द्वारा मर्चेंट बोले तो फ्लिपकार्ट या अमेजन के द्वारा बैंक के पास भेजी जाती है कि साहब देखो इस व्यक्ति ने हमसे सामान खरीदा है यह व्यक्ति आपकी बैंक का ग्राहक है हम आपसे पैसे चाहते हैं तो ये क्या हुआ मर्चेंट ने इस जानकारी को बैंक के पास सेंड किया तो देखिए आपने जानकारी तो यहां डाली थी अब वो फेज टू यानी बैंक तक पहुंच चुकी है फिर बैंक जो है वो उस बैंक उस जानकारी को लेकर के फॉरवर्ड कर देती है उस कंपनी के पास जिसने उस कार्ड को इश्यू किया है ध्यान से सुनिएगा आप कहेंगे सर बैंक ही तो इशू कर दिए कार्ड जी नहीं

कार्ड बनाने वाली कंपनी तक जाती है एक बार में जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं ना जब वो गोला घूम रहा होता है तब क्या क्या होता है सोच के देखो अब ये जो बैंक है ये जब यहां से जानकारी प्राप्त कर लेती है इस कंपनी ने कहा कार्ड निर्माता कंपनी ने कहा कि ये कार्ड पर दी गई सारी जानकारियां सही है तो ऐसी स्थिति में यह मैसेज रिवर्ट बैंक के पास आता है कि हां साहब कार्ड में दी गई जानकारियां सारी सही है आप उस जानकारी के हिसाब से ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दो अब आप सोच के देखो कि आपका हर जगह जो कार्ड का डिटेल है वो कितनी जगह जाकर के सेव हुआ है सबसे पहले आपने मर्चेंट के पास सेव किया डिटेल वो डिटेल एज इट इज उड़कर बैंक के पास भेजी गई बैंक ने वो डिटेल उठा करके जो कार्ड बनाने वाली कंपनी है उसके पास भेज दी कार्ड बनाने वाली कंपनी ने वापस बैंक के पास भेजी बैंक ने इसको रेस्पॉन्स के रूप में मर्चेंट के पास भेजा यानी पांच बार आपकी डिटेल इधर से उधर घूमी है जिसको आप सबसे ज्यादा सिक्योर मानते हैं आप जब डिटेल्स डालते हैं ना तो डिटेल्स डालने के बाद वो एक मिनट तक घूमता रहता है और आपसे वो कहता है कि बीच में रिफ्रेश मत कर देना अदरवाइज ट्रांजेक्शन अटक जाएगा वो रिफ्रेश करने की मना क्यों करता है, वो तो मना करता है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी किसी तो कही अटक जाओगे ऐसी समझ में आया कि जो सेंधमारी है ना एटीएम से जो पैसा निकालने की जो कला है लोग जो मतलब हैकिंग करते हैं वो करते क्या है वो इनमें से किसी भी एक स्टेप को हैक कर लेते हैं या तो यहां से लिया या यहां से हैक कर लिया हैक से मतलब क्या हुआ आपकी जानकारी अलग से कॉपी पेस्ट करके रख ली फिर भविष्य में आपको पता ही नहीं चल रहा है वो जानकारी डालता है और पैसे निकाल लेता है आपको पता ही नहीं चल रहा आप सामान नहीं खरीद रहे और इधर से माल निकलता जा रहा है तो फिर आप क्या कहेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर यह जो क्रियाकलाप आरबीआई इस बात को समझ गई कि साहब अल्टीमेटली इसी प्रकार से चीटिंग होती है इसका समाधान निकालते हैं आरबीआई सुनिए पेमेंट का जब आप इनिशिएट करोगे ना तो उस समय पर आपकी जो जानकारी है इसको अब टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कैसे अब मैं बताता हूं क्या कभी आपने टोकन से चाय पी है टोकन से कभी नाश्ता किया है टोकन व्यवस्था का लाइफ में कभी उपयोग किया है नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूं बहुत सारी जगह जब रोड साइड किसी रेस्टोरेंट पर आप जाएंगे जहां बहुत भीड़ पड़ रही है किसी शहर के किसी बहुत बड़े धावे पर जाएंगे दुकान पर जाएंगे जहां बहुत भीड़ पड़ रही है तो वो क्या करता है आपसे पूछ लिया कि साहब क्या लेंगे आपने कहा बीस रुपए का कोई भी सामान दे दो लेट से आपने बीस रुपए का समोसा खरीदा तो वो बीस रुपए के नाम पर पैसे तो आपसे ले लिया और टोकन आपको पकड़ा दिया कि ये सिक्का है ये ले जा और ये ले जा करके उस काउंटर पे दे दे वो अपने आप इसे देख करके तेरे को समोसा पकड़ा देगा मतलब क्या हुआ अब किसी को ये नहीं पता चला कि मेरे नोट का रंग गोरा था कि काला था कि मैंने 500 सौ का नोट दिया था कि मैंने हजार का नोट दिया था कि मैंने बीस का नोट दिया था कुछ नहीं पता चला सामने वाले के पास केवल टोकन आया अब भले ही वो टोकन वहां से उठ के वेटर के माध्यम से किसी दूसरे इंस्टॉल पर जाए वहां से उठ करके किसी तीसरे स्टॉल पर जाए कहीं घूमे मेरा टोकन जो घूम रहा है मेरी जानकारी नहीं घूम रही है आई बात समझ में आपका नोट नहीं घूम रहा है टोकन घूमता जा रहा है इसका मतलब आपकी जानकारी बीच में से लीक नहीं हो सकती आरबीआई ने बैंकों से कहा था कि एक जनवरी दो तक सबकी सब तैयार हो जाओ टोकन व्यवस्था अपनाने के लिए टोकन व्यवस्था अपनाने का मतलब क्या हुआ आप लोग तैयार हो जाओ कि आपने जो जानकारी ली वो टोकन में कन्वर्ट करके यहां से आगे जाएगी अर्थात जब ट्रांजैक्शन करोगे तो ये कन्वर्ट होने के बाद में आपकी जानकारी ऑटोमेटिक एक टोकन में कन्वर्ट हो जाएगी मर्चेंट जब बैंक के पास भेजेगा तो टोकन भेजेगा डिटेल्स नहीं भेजेगा यहां से आगे भी टोकन भेजेगा टोकन सिस्टम ही आगे चलेगा आपकी इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी ये एक जनवरी से लागू होने वाला था लेकिन बैंक जो है वो घबरा गई उन्होंने कहा सर हमारा काम एक जनवरी से पूरा नहीं हो पाया है ऐसी स्थिति के अंदर यह जानकारी आरबीआई ने कब दी थी सितंबर 2021 में की थी और कहा था कि सर हम ये नहीं कर पाए हैं हम इसको करने में कुछ समय लेंगे तो आरबीआई ने इनको समय बढ़ाकर दे दिया है कहा है कोई बात नहीं आपको छह महीने का समय बढ़ा करके दिया जा रहा है आप जून 2022 से इसको लागू कर देना आने वाले टाइम पर जून दो से आपका टोकनाइजेशन सिस्टम लागू कर दिया जाएगा बैंकों ने कहा अभी हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई है कि हम इस कार को चेंज कर पाए ठीक है तो ये टोकनाइजेशन जो सिस्टम है अब ये जून से लागू हो जाएगा उम्मीद है आप इस बात को समझ जाए कि आने वाले समय में यानी जून के बाद शायद आपके अकाउंट में जो हैकिंग होती है या फिर कार्ड की डिटेल से कोई आदमी नकल करके पैसा निकाल लेता है अब वो शायद ना हो पाए ठीक है उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई हो इंफॉर्मेशन ले लीजिए आज सुबह दस बजे आपकी इंडियन पॉलिटी की फ्री स्पेशल क्लास है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे दस बजे है ग्यारह बजे नहीं है मैं पहले याद दिला रहा हूं दस बजे की क्लास है उपस्थित हो जाएं फ्री स्पेशल क्लास है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हाल ही में साथियों एक नया ही जैसे अपन हाँ दो शब्दों को आपस में मिला करके बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश को हिंग्लिश कहते हैं ऐसे ही कोरोना का भी एक नया वर्ड निकल के आ गया है इन दिनों दुनिया के बारे में चर्चा कर रही है कोरोना के अंदर जो वेरिएंट है उसके अंदर ओमाइक्रोन वेरिएंट की चर्चा हो रही है इससे कुछ दिन पहले ही डेल्टा गया था डेल्टा और ओ आजकल एक नया नाम पा लिए हैं साहब और वो जो नया नाम आजकल पाए हैं उसका नाम है डेल माइक्रॉन यानी कि डेल्टा और ओमाइक्रॉन के फीचर को एक साथ लेकर के आ चुका है डेल माइक्रॉन ध्यान से सुनिए ये कुछ न्यूज है आपके सामने कि ये केवल ओमिक्रॉन नहीं अपितु इन दिनों यूके यूएस के अंदर जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसमें डेल्टा प्लस माइक्रॉन ओ माइक्रॉन दोनों के फीचर निकल के आ रहे हैं यानी कि डेल माइक्रॉन नाम से जो नया वेरिएंट है वही यूएस एंड यूरोप के अंदर कोविड के केसेस बढ़ा रहा है यूएस और यूरोप में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारक ओमाइक्रॉन या डेल्टा नहीं दोनों का मिलना है that is याद रखिए, ने ऐसा कोई भी शब्द नहीं दिया है ना इंडियन काउंसिल ऑन मेडिकल रिसर्च ने दिया है ये एक प्रकार से अखबारों के द्वारा निकाला गया कारण है कि भाई दोनों एक साथ आ रहे हैं तो डेलमिक्रॉन हो गया ठीक है ना तो ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से एक नया सुपर स्ट्रेन बना है जो दोनों वेरिएंट का एक ही बार में संक्रमण व्यक्तियों के अंदर दिखा रहा है क्योंकि डेल्मिक्रॉन में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों प्रकार के फीचर दिखाई दे रहे हैं कहा जा रहा है इससे जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको और दूसरा बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अमेरिका और यूरोप में इसकी वजह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं साउथ अफ्रीका के अंदर भी डेल्मिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं अनवैक्सीनेटेड लोगों को डेल्मिक्रॉन से संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है और भारत में जो कि अभी तक बहुत सारे लोग अनवैक्सीनेटेड हैं वैक्सीन नहीं लगी है तो उनको डेल माइक्रॉन से खतरा हो सकता है तो डेल माइक्रॉन जो है वो आने वाले समय की चिंता हो सकता है लेकिन इंडिया ने अभी अभी इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है है ठीक ना तो कोविड के अंदर जो अभी तक हमारा ओमाइक्रॉन चल रहा था ओमाइक्रॉन एकदम हाईली म्यूटेटेड वर्जन था उसका भी एक म्यूटेशन वाला रूप निकल के आ गया है सेम सारे फीचर वैसे ही है हाई टेम्परेचर परसिस्टेंट कफ लॉस ऑफ वेट मतलब सेंस ऑफ स्मेल हेड है ना रनी नोज सोर थ्रॉट ये सब इसके अंदर मिल रहे हैं ठीक है ना अगर हम बात करें ओमाइक्रॉन की तो ये डेल्टा वेरिएंट से पांच गुना ज्यादा संक्रामक है क्योंकि फैल बहुत ज्यादा रहा है डेल्टा के सौ दिन के बराबर शुरुआती पंद्रह दिनों में ओमाइक्रॉन फैल गया है ठीक है ना और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि संक्रमण हो भी रहा हो तो टेस्टिंग से इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है सबसे ज्यादा इसके जो केसेस हैं वो यूके में नब्बे के पार हो चुके हैं डेनमार्क सेकेंड और नंबर तीन पर कैनेडा चल रहा है भारत में भी अगर हम ओमाइक्रॉन की बात करें तो लगभग दो तिहाई भारत ओमाइक्रॉन की चपेट में आ चुका है ओमाइक्रॉन के अंदर दिल्ली में सड़सठ केस आ चुके हैं भारत में अब तक लगभग तीन केस ओमाइक्रॉन के आ चुके हैं ऐसी स्थिति में सरकारों ने फिर से बंदिशें लगाना शुरू कर दिया है कई जगह पर 11 से 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा लोगों की शादियों में एंट्री पर रोक लगा दी गई है चुनावी रैली पर रोक नहीं है मास्क के बिना दुकानों में घुसने की अनुमति नहीं है और यूपी में विशेष रूप से बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर जांच की अनिवार्यता कर दी गई है अगर हम बात करें अलग अलग जगह पर पाबंदियों की तो दिल्ली के अंदर क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर रोक लगाई गई है गुजरात के अंदर 31 दिसंबर का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है महाराष्ट्र में में स्कूल बंद कर दिए गए हैं हैं सेलिब्रेशन पर पाबंदियां कर्नाटक न्यू ईयर पर पाबंदी लगा दी गई है यूपी के अंदर नोएडा लखनऊ में धारा एक लागू कर दी गई है मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है उड़ीसा में न्यू ईयर पार्टियों पर रोक लगा दी गई है तेलंगाना में तो दस दिन का लॉकडाउन भी जारी कर दिया गया है तो साथियों धीरे धीरे फैल रहा है कि नहीं रुक रहा है, है एंटीबॉडी बढ़ाए उससे भी ज्यादा एंटीबॉडी शरीर के लिए अगर आवश्यकता है तो बूस्टर डोज लगाने की बात की जा रही है और ब्रिटेन के अंदर बूस्टर डोज जो कि हॉस्पिटलाइज रोकने में काम कारगर हो रहा है उसकी चर्चाएं होना शुरू हो गई है और फिलहाल कई राज्य सरकारों ने भी बूस्टर डोज की मांग की है क्योंकि फिलहाल यह देखा गया है कि मॉडर्ना और फाइजर ने एक अतिरिक्त वैक्सीन लगा करके 70 से पिछहत्तर इम्यूनिटी प्रोवाइड की है जिसने हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर यानी कि हॉस्पिटल में जाने से तिहत्तर परसेंट लोगों को सॉरी 93 परसेंट लोगों को रोक लिया है यानी एक प्रकार से यह समझिए कि वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी को धीरे धीरे जो कमजोर हो रही है वैक्सीन से इम्यूनिटी उसको बूस्टर डोज वापस से रिवाइव कर रहा है ऐसा फिलहाल के लिए नोटिस किया गया है तो उम्मीद है कि कोरोना से आप लोग भी सचेत रहेंगे आने वाले समय के लिए स्वतंत्र रहेंगे समझदारी के साथ सारे काम करेंगे ठीक है ना उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई हो यहां से आगे वन लाइनर प्रश्न हैं जो कि जिनकी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आइए उनकी यात्रा करते हैं देखते हैं क्या कुछ खास है और 10 बजे की क्लास में आना ना भूलें 10 बजे इंडियन पॉलिटी की फ्री स्पेशल क्लास अन के एप्लीकेशन पर है लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा सवाल है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है यह पहली बार उन्नीस में मनाया गया था कंज्यूमर के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न बना है साथियों हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया है ठीक है ना द टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा एशिया के अंदर इस पुरस्कार को दिया गया है यूनिवर्सिटी को टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर कैटेगरी के अंदर लास्ट दो साल में जो काम किए हैं उसके लिए पुरस्कार दिया गया है लीडरशिप और मैनेजमेंट टीम के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट जो है उसको पुरस्कार दिया गया है बेस्ट वर्क प्लेस के अंदर सेंट जेसेफ यूनिवर्सिटी जो बेरूत में है उसे बेस्ट वर्क प्लेस माना गया है इस प्रकार से ये सारे पुरस्कार दिए आगे बढ़ते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है जिसको कि हमने अपने हिसाब से नहीं माना है सबसे ज्यादा अच्छी रैंक नॉर्वे फिनलैंड और स्वीडन को दी गई है स्वतंत्रता के आधार पर लेकिन भारत सरकार इससे सहमत नहीं है क्योंकि भारत सरकार की जो रैंक आई है वो प्रेस की स्वतंत्रता के अंदर एक सौ रैंक रखी गई है यानी कि कोई बिना परिवर्तन के साथ हमारे यहां की प्रेस को बहुत खराब प्रेस माना गया है पत्रकारिता को कि ये सब लोग दबाव में काम करते हैं लेकिन सरकार इस बात से सहमत नहीं है 180 देशों में भारत की जो रैंक है वो एक सौ रखी गई है बैड कैटेगरी में रखी गई है यानी कि जर्नलिज्म यहां पर क्वेश्चनेबल मेथोडोलॉजी नहीं अपनाते हैं सीधा के सीधा जो सरकार करवा रही है वो करते चले जाते हैं ठीक है ना तो ऐसा मानना है लेकिन सरकार करिए हम रिपोर्ट ही नहीं मानते जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाल ही में बनास डेयरी संकुल का शिलान्यास किया है तो उत्तर प्रदेश के अंदर बनास डेयरी संकुल का जिसमें चार करोड़ रुपए खर्च आएगा वाराणसी के अंदर इसकी स्थापना की गई है है ना बनास डेयरी संकुल जो है इसकी स्थापना करने के लिए मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने फाउंडेशन स्टॉक वो रखा है देश के अंदर प्रमुख दूध उत्पादक क्षेत्रों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम आता है फिर राजस्थान फिर मध्य प्रदेश इस प्रकार से दूध का उत्पादन राज्यों के अंदर किया जाता है रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयन का अवार्ड दिया जाता है मतलब जर्नलिज्म रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड दिया जाता है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न के अंदर अगला प्रश्न है हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया तो हरभजन सिंह ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट सभी फॉर्मेट से अनाउंस कर दिया है तीन जुलाई उन्नीस के जन्मे हुए हैं ये और इन्होंने हरभजन सिंह जो है वो अपने काफी सारे खेलों के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इनका जो मतलब खेलने का जो तरीका रहा है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है स्पिनर है भारत के 103 टेस्ट 236 वनडे इंटरनेशनल ये खेल चुके हैं और 20 टी ट्वेंटी भारत की तरफ से खेल चुके हैं 23 साल तक का इनका कैरियर रहा है हाल ही में इफको टोक्यो जर्नल इंश्योरेंस ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है तो एच ओ सूरी जो है उनको इफको टोक्यो जर्नल इंश्योरेंस ने अपना एमडी नियुक्त किया है बस इतना सा ही याद कर लीजिए बाकी क्या याद करना है इसमें आगे बढ़ते हैं ताज़ा हजारी मतलब हाल ही में जो वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग उसमें भारतीय फुटबॉल टीम को कहां रखा गया है तो भारतीय फुटबॉल टीम को एक सौ स्थान पर वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर रखा गया है एक सौ रैंकिंग के अंदर इसको रखा गया है ठीक है ना फीफा जो है उन्नीस के अंदर स्थापित हुआ था ठीक है ना ये तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होनी चाहिए और नेशनल एसोसिएशन पहले ये नेशनल बेल्जियम डेनमार्क फ्रांस जर्मनी नीदरलैंड इन सब का हुआ करता था यूरिक में इसका मुख्यालय बना हुआ है तो इसके अंतर्गत हमको एक स्थान के ऊपर रखा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है हाल ही में किस खिलाड़ी ने अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतकर पहली भारतीय महिला बनी है तो अनाहत सिंह जो है उन्होंने जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश जीत लिया है ठीक है और अंडर तेरह कैटेगरी के अंदर ये खेली है ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो अनिल प्रकाश जोशी जो है उन्हें मदर टेरेसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्लियर ये जानकारी आपको अतिरिक्त रूप से पता होनी चाहिए अन इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर हम बात करें तो 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है अटल जी का आज जन्मदिन है और विश्वनाथ आनंद के द्वारा अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है माइंड मास्टर ये तमाम जानकारी आपको पता होनी चाहिए मेरी क्लास है आप लोगों के लिए स्पेशल सुबह दस बजे आप उसे जरूर ज्वाइन करें यदि आप चाहते हैं अन अकेडमी पर मेरे साथ पढ़ना तो अन अकेडमी पर मेरा रेफरल कोड है अंकित टैन जिसका यूज़ करके आप अन अकेडमी पर दस प्रतिशत डिस्काउंट के साथ कोर्स परचेज कर सकते हैं अन अकेडमी पर आइकॉनिक प्लान भी अवेलेबल है इसके साथ साथ आप लोगों के लिए मेंटरशिप uh, का जो प्लान है आइकॉनिक वो उपलब्ध है और साथ में यदि आप चाहते हैं अकेडमी के साथ पढ़ना तो रेफरल कोड अंकित टेन दस प्रतिशत का डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाता है इजी लोन फैसिलिटीज उपलब्ध है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फिलहाल के लिए इतना ही अपना ख्याल रखें बड़ों का सम्मान करें छोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित में